मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी एक मिनरल के बारे में, जिंक। ठीक है, इसका जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो जिंक जो है वैसे तो एक ट्रेस मिनरल है। ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे वो कम ही होती है। लाइक अगर हम बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल, अगर हम आरडीए देखा जाए तो ये 8 मिलीग्राम, 8 से 12 मिलीग्राम पर डे जो है इसकी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसके बेनिफिट्स को जाए तो इसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ये जो जिंक होता है इसने बेसिकली करना क्या होता है कि हमारे जो स्पेशली तौर पे जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के जो स्पेशल सेल्स, मास्ट सेल्स, वो वाले सेल्स जिन्होंने हमारे जिन्होंने क्या करना होता है कि जब हमारी बॉडी के रिएक्शन वगैरह होता है तो उन्होंने जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्टिव हैं, जो कि एलर्जी के वक्त उन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना है। जब भी बॉडी के अंदर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह होता है तो उसमें जो है ये हमारे मास्ट सेल्स जो हैं वो इम्यून सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन ये जो मास्ट सेल्स होते हैं इनको फॉर्मेशन में जो है वो जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मास्ट सेल्स जो है वो जिंक की मदद से क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो ये जो हमारा थायमस ग्लैंड होता है। सर, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे लगा शायद नेट की वजह से आवाज कम आ रही है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये जो जिंक होता है, एक तो इसमें मैंने बात की कि हमारा जो मास्ट सेल है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो थायमस ग्लैंड है, वहाँ पे स्पेशली तो बहुत सारे जो हमारे वहाँ से हार्मोन्स जो वगैरह रिलीज होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो टी सेल्स जो है हमारे स्पेशली तौर पर टी लिम्फोसाइट जो है वहां से क्या करते हैं उनकी प्रोड्यूस होता है। वजह से क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड की जो है वो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ जो है वो होती है। जब जिंक जो है उसकी सॉरी जब थाइमस ग्लैंड जो है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन होगी तब भी जो है हमारे सेल्स वगैरह की जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन वगैरह होगी। तो जिंक ने क्या करना होता है कि वो जो थाइमस ग्लैंड होता है उसको जो है फॉर्मेशन करनी होती है। जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो वैसे नॉर्मली बात की जाए तो ये जो जिंक होता है इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, लेकिन इसके बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा देखा जाए तो जिंक जैसे जिंक है, क्रोमियम है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो हमारे इंसुलिन जो होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन की जो सिंथेसिस वगैरह होती है, इंसुलिन की स्टोरेज में, सिक्रीशन में जो है वो जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंसुलिन में स्पेशली तौर पे जो इंसुलिन रिसेप्टर सेल्स होते हैं तो वहां पे जो है वो जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब तो मार्केट में जो है इसके सप्लीमेंट भी आ गए हैं, जिंक ये है, क्रोमियम प्रीकोलिनेट वगैरह जो है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और इसमें बेसिकली जो है वो जिंक को ऐड किया होता है। तो अब इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जिंक ने क्या करना होता है, हमारे जो इंसुलिन की जो सेंसेस होती है, स्टोरेज है, सिक्रीशन वगैरह जो है उसमें इन्वॉल्व होता है जिंक मिनरल है। इसके अलावा ये जिसके सप्लीमेंट हम डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो हमारा जो एयर वेज वगैरह होते हैं उनकी जो सरफेस लाइनिंग होती है उसमें जो सेल्स होते हैं उनको जो है वो वहाँ से जो है वो लोडेड होते हैं, वहाँ पे भी जिंक होगा तो उनकी जो एयर वेज हमारे होते हैं उनकी प्रॉपर लाइनिंग फॉर्मेशन वगैरह जो है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिंक का बड़ा ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी की जो है वो बॉडी के अंदर जिंक वगैरह की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जो एयर वेज वगैरह जो है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिंक ने बेसिकली क्या करना होता है, फाइट करना होता है, कोई कॉमन कोल्ड वगैरह है, वायरल इन्फेक्शन है के अगेंस्ट जो है वो काम करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कोई भी चीज डिजीज वगैरह होती है तो उसमें जो है जिंक ने जो है वो क्या करना होता है, नॉर्मल तौर पर देखा जाए ना तो ये जिंक को एक इम्यूनिटी का बड़ा जिंक है, जैसे सेलेनियम है, वाइटामिन ई है, बीटा कैरेटीन है, ये बेसिकली जो है ये एंटीऑक्सीडेंट इनको नाम दिया जाता है, वाइटामिन मिनरल्स का नाम दिया जाता है जो कि हमारी बॉडी में जो है एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेंगे, इम्यूनिटी को जो है वो इन्हांस करते हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो होता है कि जिंक में जो है वो स्पेशली तौर पे हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस एरिया, जो कि मेमोरी से जो है वो रिलेट करता है। तो उसके जो न्यूरॉन ट्रांसमिट जो उसके जो न्यूरॉन फॉर्मेशन वगैरह होती है हिप्पोकैम्पस एरिया की, उनकी फॉर्मेशन में जो है वो जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिंक ने जो है वो उनको भी जो है वो बनाना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिंक ने जो है वो क्या करना होता है, ये जो हमारा जो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है स्पेशली तौर पर जिसका नाम जो है वो कॉर्टिसोल होता है, तो जिंक ने जो है उस हार्मोन को कम करना होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जब स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि कॉर्टिसोल हार्मोन का काम ही क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर फैट को इकट्ठा करना होता है। फैट का काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को इकट्ठा करना होता है। तो जिंक ने जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को जो है वो कम करना होता है, ठीक है, और जो हमारा हार्मोन्स जो है उसको बैलेंस करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको, हेलो जी सर, वो किसी और तरफ बिजी है, आप कंटिन्यू रखिए। ओके अच्छा, ये एक बेसिकली जो है ये डिजीज नहीं है, ये एक मिनरल के बारे में जो है मैं बात कर रही थी कि ये जो मिनरल होता है नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी को तो काफ़ी सारे जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं, माइक्रो नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, और ये जितने भी मिनरल्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें माइक्रो अमाउंट में होती है, ठीक है, मतलब कि सॉरी मिलीग्राम में जो है वो हमें ये चाहिए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर होती नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। अगर हम इनको थोड़े से अमाउंट में अगर ऐड कर देना तो हमारी बॉडी के जो है ये सारे स्टेटस को जो है मेंटेन को मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा जैसे मैं बात कर रही थी जिंक, ये अब ये जिंक जो है इसका और क्या फंक्शन होता है कि ये जो हम कोई भी चीज खाते हैं में टेस्ट डेवलपमेंट आता है ना, जो भी हम चीज खाते हैं जो भी स्मेल टेस्ट वगैरह वो बेसिकली जो टेस्ट परसेप्शन जो होती है ना उसमें मेजर रोल ही जिंक का होता है। जिंक है ही एक ऐसा मिनरल है जिसका फंक्शन जो है वो यही आता है टेस्ट परसेप्शन में। तो जो हम स्मेल करते हैं, जो हमें टेस्ट आता है वो बेसिकली जिंक की वजह से आता है। अब होता क्या है कि वो लोग जिनके अंदर जो है वो क्या होता है कि जिंक डेफिशिएंट हो जाता है, और जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस के अंदर जो है वो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह का एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह का इंटेक करने की वजह से क्या होता है कि स्टमक अपसेट होने की वजह से फूड का इंटेक जो है वो कम हो जाता है, टेस्ट बर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको भी जो है वो फिर जिंक के जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह रिकमेंड किए जा सकते हैं उनकी टेस्ट परसेप्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो लोग जो कि मैंने बात की थी कि जिनको जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम बात करें कि जो थायमस ग्लैंड जो है उसको बनाना होता है, थायराइड ग्लैंड वगैरह में भी इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक का, तो जिन लोगों के अंदर जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है उनमें बेसिकली होता क्या है कि उनकी ग्रोथ जो है वो भी स्टंटिंग हो जाती है, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है वो भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, ये कह रहे हैं कि जितनी उनकी एज के मुताबिक जितनी हाइट होनी चाहिए उतना शायद स्टंटिंग में वेस्टिंग उतनी जो है उनकी स्टंटिंग नहीं होती, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि अच्छा जिंक की वजह से अगर हम बात करें तो इसके और भी बहुत सारे जो है बेसिकली कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जिंक डेफिशिएंट होता है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें ना तो जिंक वो जो मैंने फंक्शंस परफॉर्म किए थे कि जिंक ने क्या क्या फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है परफॉर्म करता है, लेकिन अब जिंक हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करने की वजह से होता क्या है कि हमारे जो जो, जो बाकी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनके वो जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा शुगरी फूड स्पेशली तौर पे जितनी भी ये स्वीटनर्स होते हैं शुगरी फूड्स होते हैं वो हमारे ये जो मिनरल ये जो जिंक की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस फूड वगैरह होते हैं स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें ना
तो लाइक अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी इसमें शायद मेंशन किया हो कि जितने भी ये ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होती हैं, बीन्स होती हैं, इनके अंदर जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं. एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ये नो डाउट ये जितने भी चिक पीस हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, सीरियल्स हैं, वीट है, बार्ले है, मिलेट है, जो भी है, ये जितने भी सीरियल्स होते हैं ये हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं. इनके अंदर एक्सेलेंट अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट प्रोफाइल प्रेजेंट होती है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें बेनिफिट देते हैं. लेकिन इनके अंदर जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिनको जो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं. लाइक अगर हम बात करें सीरियल्स हैं जैसे लेग्यूम्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में आ जाते हैं, फाइटेट फाइटेट प्रेजेंट होता है. तो जब हम बेस्ट तो ये है कि जब हम इनको कुक्ड करें, जैसे सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स वगैरह को अगर हमने कुक करना है बीन्स को, तो इनको हम पहले पानी के अंदर सोक्ड करके रख दें, फिर बाद में जो है जब हम इनको पानी के अंदर सोक्ड करके रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो वो जो फाइटेट होता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो होता है वो रिमूव हो जाता है. फिर जो है वो इनको कुक कर लिए, फिर उनको जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो है वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन जब हम ये जो फाइटेट होते हैं जब हम इनकी ऐसे कुक्ड कर लेते हैं विदाउट सोक, तो क्या होता है कि इनके अंदर फाइटेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके काफी सारे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के साथ जो है मिनरल्स के साथ जो है बाइंड कर देते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं. तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, इनके अंदर जो फाइटेट होते हैं जब अगर उनको डायरेक्ट इस तरह कुक कर लेते हैं तो वो फाइटेट क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके जिंक की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं. तो इसी तरह अगर हम बात करें तो अच्छा, फिर इसके अलावा जो है अगर हम बात करें वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ज्यादा जो है वो क्या करते हैं कैल्शियम के बहुत ज्यादा सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं या कॉपर वगैरह के, तो वो क्या करते सप्लीमेंटेशन जो बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसको जैसे ना जब एक एक मिनरल की जब टॉक्सिसिटी होती है तो दूसरी की क्या होती है डेफिशिएंटी डेफिशिएंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो बहुत ज्यादा आयरन सप्लीमेंट ज्यादा यूज करने की वजह से, कैल्शियम वगैरह की वजह से भी क्या होता है जिंक की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है. लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा स्वेयर नहीं होती, माइन्यूट क्वांटिटी में जो है वैसे की होती है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेस्ट बात यह है कि अगर किसी पर्सन को जो है वो अगर उसका गट का सिस्टम ठीक नहीं है, अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो अगर उसका जो है वो स्टमक इशू है, तो ऑब्वियसली कोई भी हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह के एब्जॉर्प्शन, जहाँ किसी को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, कोई सीलिएक डिजीज ही लगा लें किसी को जो, वो तो वैसे क्या है, हाँ इंटेस्टाइनल डिजीज ही है, उसमें इंटेस्टाइनल विलाई जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रश बॉर्डर जो विलाई होती है. तो अब होता क्या है कि जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स की जब ब्रेक डाउन होती हैं, एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो रिलीज होते हैं हमारे स्टमक से, हमारे पेनक्रियाज से, भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उन्होंने हमारे जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर जो भी होता है उसकी ब्रेक डाउन वगैरह होती है, फिर बाद में ब्लड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं. तो वो लोग जिनको स्टमक का इशू होते हैं या इंटेस्टाइनल का इशू होता है, तो उनके जब फूड जो है वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होती, फूड जो है वो प्रॉपरली तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता, फूड की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं, प्रॉपर फूड की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे मिलेंगे. तो वो लोग जिनको गट का कोई इशू होता है या स्टमक का है या इंटेस्टाइनल इशू होता है, तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती, उनका क्या होता है कि उनके अंदर भी जिंक डेफिशिएंट हो सकता है जिनको कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो लोग जो कि बहुत सारा जो है वो चाय कॉफी वगैरह का इस्तेमाल, स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें टी, टी के अंदर जो है एक मेन नो डाउट ग्रीन टी बहुत अच्छी है. इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है कैटेचिन होता है, ब्लैक टी के अंदर थियाफ्लेविन होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टेरियल, एंटी वायरल, बहुत बल्कि एजिंग से जो है वो प्रिवेंट करती हैं. लेकिन ये जो टी होते हैं जो कि हम दूध के अंदर डाल के जो भी हम बनाते हैं, ये इसका जो है वो इफेक्ट नहीं होता अच्छा होता है. ये हमारे जो है वो जो मिल्क के अंदर जो है वो जो प्रोटीन होती है, केजीन होती है, उसके भी जाके बाइंड कर देती है, डैमेज कर देती है, तो कोई फायदा नहीं होता है इसके लेने का. लेकिन जो लोग जो कि बहुत ज्यादा टी यूज करते हैं, टी में बेसिकली होता क्या है, एक कंपाउंड होता है टैनिन, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को जो है वो बाइंड कर देता है. बेस्ट फॉर्म तो बेस्ट तो ये है कि खाने के फौरन साथ जो है वो कभी भी जो है वो चाय नहीं लेनी चाहिए, कभी भी जो है वो खाने के फौरन साथ चाय नहीं लेनी चाहिए. हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है वो होता क्या है कि खाने के साथ फौरन नाश्ते में तो चाय लाजमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर बेस्ट ये है कि खाने के कोई भी आपका मेजर मील है, आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है, आप उसके खाने के 1-1.5 घंटे बाद जो है आप चाय ले सकते हैं. अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग है, बेस्ट ये है कि खाने के 2 घंटे बाद, जब अगर आपने डिनर लंच जो है वो अगर आपने 2 बजे किया है, तो आप 4-5 बजे के दरमियान जो है स्नैक में आप चाय ले लें. खाने के साथ जब हम चाय लेते हैं तो जो टी के अंदर जो कंपाउंड होते हैं टैनिन, वो क्या करते हैं, जो हमारा हमने जितना मर्जी हेल्थी फूड लिया हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर अच्छी चीज ली है हमने,
फिश ली है, जो भी खाया है, कुछ सैलड लिया है, हमने खाना खाया, साथ हमने फौरन चाय ले लिया। चाय क्या करेगी, चाय के अंदर ये जो कंपाउंड होगा टैनिन, वो जो हमारी फिश के अंदर ओमेगा 3 था, ओमेगा 6 फैटी एसिड था, वाइटामिन डी था, वाइटामिन ई था, सैलड में जो फाइबर था, टैनिन क्या करेंगे, उसको बाइंड कर देंगे, उसकी अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा इतनी अच्छी डाइट लेने का, इतना हेल्थी डाइट लेने का, अगर आपने फौरन खाने के साथ चाय ले लेनी है। तो खाने के साथ कभी भी चाय जो है वो नहीं लेनी चाहिए, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर देती है। इनके बहुत सारे लोग इसी वजह से एनीमिया का भी शिकार हो जाते हैं, कि जो खाने के अंदर जो आयरन होता है, जो वेजिटेबल सोर्स है उसमें हीम आयरन, सॉरी नॉन हीम आयरन होते हैं, जो मीट सोर्स होते हैं उनमें हीम आयरन होता है। जब हम खाने को फौरन साथ चिकन मटन हमने खाया, साथ ही हमने चाय ले ली, खाने के अंदर जो हमें आयरन मिलना था वो भी क्या हुआ, वो भी ज़ाया हो गया। ठीक है, तो खाने के फौरन साथ जो है वो चाय कभी नहीं लेनी चाहिए। बेस्ट ये है कि खाने के 1 घंटे बाद दे रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम खाने के फौरन साथ जो है वो अगर हम लेते हैं, तो टी के अंदर जो कंपाउंड होते हैं टैनिन, वो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिंक के अब्जॉर्प्शन को भी कम कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तो अगर किसी की गैस्ट्रिक सर्जरी वगैरह हुई है, बाईपास जो गैस्ट्रिक सर्जरी वगैरह हुई है, तो उनके अंदर भी जो है वो जिंक की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब अब्जॉर्प्शन वगैरह ना होने की वजह से। इस सिचुएशन में जो है वो हम सप्लीमेंट वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट से बेसिकली होता क्या है कि उनकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ब्लड जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड में जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सप्लीमेंट जो है वो टैबलेट की फॉर्म ही होती हैं, तो उससे जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा अभी यहाँ जो है वो बात करने कहते हैं कि जिंक, जिंक की जो है वो क्या है, जिंक का मतलब अगर हम बात करें, तो इसकी कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर जिंक जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जिंक जो है वो होता है शेल फिश वगैरह, जो फिश वगैरह होती है उनके अंदर जिंक होता है। जितने भी सी फूड्स होते हैं उनके अंदर जिंक सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनके अंदर बायोबिलिटी भी इसकी ज्यादा होती है, अगर फिश के अंदर देखा जाए। इसके अलावा रेड मीट के अंदर होता है, बीफ के अंदर होता है, मटन के अंदर होता है, लैम्ब के अंदर होता है, ऑर्गन मीट के अंदर होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जितने भी ऑर्गन मीट्स हैं, लीवर है, किडनी, हार्ट वगैरह, इसके अंदर जो है वो जिंक रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो चीज़ में भी जिंक होता है, नट्स में सबसे ज़्यादा, सीड्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिंक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिंक जो है वो नट्स वगैरह के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रेजेंट होता है। बाकी यही था। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।